नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिशा बिष्ट। पाकिस्तान ने एक बार फिर एटमी जंग की धमकी दी है। ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के बड़बोले रेल मंत्री शेख रशीद ने दी है। शेख रशीद ने भारत को धमकी देते हुए कहा है कि इस बार जो जंग होगी वो कोई पारंपरिक जंग नहीं होगी। इस बार तोप, टैंक और बंदूकें नहीं चलेगी बल्कि पाकिस्तान सीधे परमाणु बम चलाएगा और मिनटों में जंग खत्म हो जाएगी। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों के कई ठिकानों को रविवार को तबाह कर दिया था। आतंकी लॉन्च पैड के तबाह होने से पाकिस्तान इस कदर आग बबूला हो गया है कि अब फिर से एटमी जंग की धमकी दे रहा है। सेना के दिवाली धमाके से बौखलाया पाक। आतंकी ठिकाने को तबाह करने से गुस्से में पाक। भारत ने लिया आतंकियों पर एक्शन। इमरान के मंत्री ने खोया मानसिक संतुलन। पाक के रेल मंत्री शेख रशीद ने फिर दी परमाणु हमले की धमकी। दुनिया भर में मिली हार, फिर भी नहीं सुधरा पाक। पाक के सिर पर लटकी एफएटीएफ की तलवार, फिर भी पाक दे रहा है आतंकियों का साथ। पाक है दाने दाने को मोहताज, फिर भी कर रहा है परमाणु जंग की बात। पाक पीएम से लेकर उनके मंत्री तक, नेता से लेकर क्रिकेटर तक, हर कोई कर रहा है बदहवासी में बात। एटम बम चलाने की धमकी दे रहा है पाक। जंग की तारीख घोषित कर रहा है पाक। कश्मीर के लिए खुद को तबाह करने पर तुला है पाक। तीन तीन जंग हारने के बाद भी पाक भूला औकात। '65 में भारत ने दिखाई थी पाक को औकात। '71 की जंग में पाक की हुई थी शर्मनाक हार। नियाजी ने 90,000 सैनिकों के साथ किया था सरेंडर। अब इमरान खान नियाजी दोहराएंगे हार का इतिहास। पाकिस्तान की अजीब स्थिति है। पाकिस्तान के पास खाने को दाने नहीं है और वो भारत को परमाणु जंग की धमकी दे रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद हर मंच पर नाकामी झेलने और आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश पर भारतीय सेना के करारे जवाब से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। आतंकी कैंपों पर भारतीय सेना के एक्शन से खफा पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने एक बार फिर भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। 20 अक्टूबर को पीओके में आतंकियों के लॉन्चिंग पैड पर भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी रेल मंत्री शेख रशीद ने बौखलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ली और खुलकर लगे भारत को धमकाने। ये धमकी कोई ऐसी वैसी नहीं, ये धमकी है परमाणु हमले की।
लेकिन मजेदार बात तो ये है कि शेख रशीद की इस धमकी का खुद पाकिस्तानी आवाम और मीडिया ही मजाक उड़ा रही है। ये सीरियस थ्रेट है इस मुल्क को और ये जंग खौफनाक हो सकती है। ये कन्वेंशनल आर्म नहीं होगी। जो अकल के अंधे ये समझ रहे हैं कि 4-6 दिन तक टैंक तोपें चलेंगी या हवाई जहाज एयर अटैक होंगे या नेवी के गोले चलेंगे, नो वे, दिस विल बी एटॉमिक वॉर, दिस विल बी ए क्लियर कट एटॉमिक वॉर, और जिस तरह की जारियत होगी उस किस्म का असला इस्तेमाल करेंगे। इस धमकी पर आपकी हंसी निकल जाए तो खुद को रोकिएगा नहीं, क्योंकि इस धमकी पर खुद पाकिस्तान की आवाम और वहां की मीडिया भी हंस रही है। वैसे तो ये पाकिस्तानी रेल मंत्री की गीदड़ भभकी है, लेकिन गौर से देखें तो ये पाकिस्तानी हुक्मरानों की मानसिकता है जिसमें भारत के खिलाफ नफरत और जहर भरा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद हर मंच पर नाकामी झेलने और आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश पर भारतीय सेना के करारा जवाब से पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। आतंकी कैंपों पर भारतीय सेना के एक्शन से खफा पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने एक बार फिर भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। 20 अक्टूबर को पीओके में आतंकियों के लॉन्चिंग पैड पर भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी रेल मंत्री शेख रशीद ने बौखलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और खुलकर लगे भारत को धमकाने। ये धमकी कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये धमकी है परमाणु हमले की। ये सीरियस थ्रेट है इस मुल्क को और ये जंग खौफनाक हो सकती है। ये कन्वेंशनल आर्म नहीं होगी। जो अकल के अंधे ये समझ रहे हैं कि 4-6 दिन तक टैंक तोपें चलेंगी या हवाई जहाज एयर अटैक होंगे या नेवी के गोले चलेंगे, नो वे, दिस विल बी एटॉमिक वॉर, दिस विल बी ए क्लियर कट एटॉमिक वॉर, और जिस तरह की जारियत होगी उस किस्म का असला इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड पर भारतीय सेना के प्रहार से पाकिस्तानी रेल मंत्री शेख रशीद ने अपनी कुंठा दिखाते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच खौफनाक जंग हो सकती है। ये कन्वेंशनल आर्म्स नहीं होंगे। जो लोग ये समझ रहे हैं कि 4-6 दिन तक टैंक तोप चलेंगे या हवाई जहाज के अटैक होंगे, नेवी के गोले चलेंगे, वो गलत है। बल्कि पाकिस्तान के परमाणु बम कुछ ही घंटों में जंग का फैसला कर देंगे। पाकिस्तानी रेल मंत्री का बयान इस मायने में गंभीर है क्योंकि हाल ही में शेख रशीद ने दावा किया था कि अक्टूबर महीने के आखिर या नवंबर की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होना तय है। अब अक्टूबर महीना खत्म होने को है। ऐसे में रशीद ने एक बार फिर से दावा किया है कि पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु युद्ध होना तय है। मैं अक्टूबर के आखिर और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग होती हुई देख रहा हूं। इसके लिए कौम को तैयार करने निकला हूं। 130 मिलियन हमारे पास ऐसा नौजवान है जो इस्लाम और पाकिस्तान के लिए जीता है और इस्लाम और पाकिस्तान के लिए मरता है। घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। 72 साल जो हमने, हमारी पाक अफवाज ने, हमारी अजीम अफवाज ने जो तैयारी की, जो जिद्दोजहद की, मेरा ख्याल है उसके फाइनल राउंड का वक्त आएगा। इमरान के मंत्रिमंडल में रेल मंत्री शेख रशीद का बयान ऐसे समय आया है जब भारत ने 20 अक्टूबर को पीओके में कई आतंकियों ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने आतंकी घुसपैठ को अंजाम देने के लिए शनिवार रात से अचानक भारतीय पोस्टों पर गोलाबारी शुरू की थी जो रविवार सुबह तक चलती रही। इस फायरिंग में 2 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठानी। पाकिस्तान की हिमाकत पर भारतीय सेना की तोपों ने जब एलओसी की तरफ मुंह करके कहर बरपाया तो आतंकियों के लॉन्चिंग पैड पर भगदड़ मच गई। भारत की इस कार्रवाई में करीब 3 से 4 लश्कर तैयबा के कैंप तबाह हुए और 20 से ज्यादा आतंकवादी इस जवाबी कार्रवाई में मारे गए। साथ ही पाकिस्तानी सेना के पोस्ट को भी नुकसान पहुंचा और आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश में लगे कई पाकिस्तानी सैनिक भी ढेर हो गए थे। तो हमें ये पक्की खबर थी कि कुछ ऐसे फॉरवर्ड एरिया के कैंप हैं जिनको एक्टिवेट किया गया है, खासकर किरण, तंधार और हमारे जो नौगाम सेक्टर है, इसको हम लीपा वैली बोलते हैं। तो हमने इनको टारगेट किया अपने आर्टिलरी के जरिए और जिस तरह की खबर हमें मिली है उसमें पाकिस्तानी सेना को और उनके वहाँ जो आतंकवादी इन कैंप में मौजूद थे उनको भारी नुकसान हुआ है। अब भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है।
पाकिस्तानी सेना ने अपनी तोपों को एलओसी के करीब तैनात करने का काम शुरू कर दिया है। टैंकों को भी सीमा की तरफ बढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, सोमवार को ही उसने एलओसी पर अपने जवानों की संख्या को भी बढ़ा दिया है। इसलिए इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान किसी बड़ी नापाक हरकत करने की तैयारी में जुट गया है। हालांकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि भारत पाकिस्तान के किसी भी नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत का यहाँ सवाल है, भारत ने कभी ऑफेंसिव नहीं रहा है। भारत का एक चरित्र रहा है कि भारत ने दुनिया के कभी किसी देश के ऊपर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी भी देश की एक इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। भारत का एक चरित्र है। लेकिन भारत की हमारी जो सेना है, जो आर्म फोर्सेज हैं, उनके अंदर वह कुवत है, वह ताकत है जो भारत को पूरी नजरों से देखने की कोशिश करेगा, उसका वह मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। शेख रशीद कई बार भारत विरोधी बयान दे चुके हैं। अपने भारत विरोधी बयानों के कारण वो सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने भारत को धमकी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान के पास 125 ग्राम और 250 ग्राम के भी परमाणु बम है जो किसी खास टारगेट पर मार सकता है। अब एक बार फिर से शेख रशीद ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। भले ही इस बार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अपने बड़बोले मंत्री के जरिए इमरान एक बार फिर से भारत को धमकी दिला रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि आतंक पर लगाम नहीं लगा पाने की वजह से वो इस वक्त FATF की ग्रे लिस्ट में है और उसे फरवरी 2020 तक आतंक के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की अंतिम चेतावनी दी गई है। अगर पाकिस्तान इसी तरह से आतंकियों को शह देता रहा और आतंकियों पर भारत की कार्रवाई पर परमाणु हमले की गीदड़ भक्की देता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान ईरान और उत्तर कोरिया की तरह ब्लैकलिस्ट में शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस कदर खस्ता हाल है कि वो इस कार्रवाई को झेल नहीं पाएगा और आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन एक बर्बाद देश आत्मघाती कदम भी उठा सकता है। ऐसे में पाकिस्तान हताशा में सचमुच परमाणु बम चला दे तो कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए जरूरी है कि विश्व बिरादरी पाकिस्तान पर उसके परमाणु बम खत्म करने के लिए दबाव डाले। पाकिस्तान को दुनिया कर्ज दे तो इस शर्त पर दे कि वो पहले अपने परमाणु जखीरे को नष्ट करे। एक गैर जिम्मेदार देश के हाथों में परमाणु बम का होना सचमुच दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट। पाकिस्तान लगातार भारत को युद्ध की गीदड़ भक्की दे रहा है। एक साल से पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज इमरान खान जो अपने देश के मुस्तकबिल के लिए कुछ खास नहीं कर पाए तो सारा ध्यान कश्मीर पर फोकस कर वो जनता को बरगलाने की कोशिश में जुट गए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके मंत्री लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और जंग की धमकी दे रहे हैं। वहीं पाकिस्तान एटमी जंग की धमकी देकर दुनिया को तबाही से डराना चाहता है ताकि दुनिया के बड़े देश कश्मीर मुद्दे पर हस्तक्षेप कर पाकिस्तानी मंसूबे का हिस्सा बन सके। जम्मू कश्मीर से भारत ने अनुच्छेद 370 क्या हटाया, पाकिस्तान तो पागल हो गया। जो पाकिस्तान अभी तक अपनी जनता के लिए 2 जून की रोटी की व्यवस्था करने की खातिर हाथों में कटोरी लिए पूरी दुनिया में घूम रहा था, वो अब अचानक जंग की बात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की उसकी सभी कोशिशें नाकाम रही हैं। उसने दुनिया के लगभग हर देश से कश्मीर को लेकर भारत सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने की मांग की, लेकिन उसे कहीं भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आई। कश्मीर मसले पर अपनी हार से निराश पाकिस्तान अब डिप्रेशन में चला गया है। पाकिस्तान अब जंग जंग चिल्ला रहा है। हमने दुनिया को अभी से बता रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ करेंगे आजाद कश्मीर में, और जब ये आजाद कश्मीर में कुछ ना कुछ करेंगे तो मैं नरेंद्र मोदी को साफ बताना चाहता हूं कि आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। या हमारी फौज तैयार है, हमारी फौज तैयार है कि किसी किस्म का आजाद कश्मीर पे इन्होंने कुछ भी किया तो हम इनके लिए तैयार हैं। लेकिन दुनिया को यह पता चलना चाहिए कि जब दो वो मुल्क जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो तो जब वो इस तरह आमना सामना करते हैं सिर्फ बर्रे सगीर को नुकसान नहीं होगा, दुनिया को नुकसान होगा।
पाक पीएम से लेकर उनके मंत्री तक भारत को जंग की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद अहमद ने तो भारत पाक के बीच जंग की तारीख का ऐलान तक कर दिया है। मैं अक्टूबर के आखिर और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग होती हुई देख रहा हूं। इसके लिए कौम को तैयार करने निकला हूं। 130 मिलियन हमारे पास ऐसा नौजवान है जो इस्लाम और पाकिस्तान के लिए जीता है और इस्लाम और पाकिस्तान के लिए मरता है। एक घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। 72 साल जो हमने, हमारी पाक अफवाज ने, हमारी अजीम अफवाज ने जो तैयारी की, जो जिद्दोजहद की, मेरा ख्याल है उसके फाइनल राउंड का वक्त आएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच अक्टूबर या फिर नवंबर में युद्ध की भविष्यवाणी करने वाले ये वही रशीद अहमद हैं जो हाल ही में लंदन में जूतों से पीटे थे और उन पर अंडे फेंके गए थे। लेकिन लंदन में हुई बेइज्जती के बावजूद शेख रशीद को अक्ल नहीं आई। रशीद का कहना है कि कश्मीर के लिए अब निर्णायक वक्त आ गया है और दोनों देशों के बीच यह आखिरी लड़ाई साबित होगी। शेख रशीद इस कदर बौखलाए हुए हैं कि वो बार बार भारत को एटम बम की धमकी दे रहे हैं। इस्लामी ताकत और इस्लामी मुल्क में हम वाहिद मुल्क हैं जिसके पास एटॉमिक ताकत है और हम गर्दन उठा के चल सकते हैं। क्या हमने ये एटमी टेक्नोलॉजी किराए पे देने के लिए रखी है? क्या जिस मसाइल से ईरान आज गुजर रहा है, क्योंकि वो भी चाहता है कि एक उसकी एक एटमी ताकत हो, लेकिन जो पाकिस्तान एटमी ताकत बना है, वो हमने ये हथियार कोई शबरात या दिवाली पर चलाने के लिए नहीं रखे। अगर पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का वक्त आ गया, अगर पाकिस्तान के दिफा का वक्त आ गया, तो नेस्त और नबूद कर देंगे उस सरजमीन को जहां से मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ ऐलान जंग होगा। हम जंग नहीं करते, लेकिन अगर ये जंग हुई तो खून के आखिरी कतरे और आखिरी गोली तक लगेंगे, क्योंकि जहाद हमारा ईमान है, अल्लाह और इस्लाम की रजा हमारी दुआ है। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद को कौन समझाए कि वो पाकिस्तान के अंत की तारीख का ऐलान कर रहे हैं। ये लड़ाई सचमुच आखिरी होगी, क्योंकि इस जंग के बाद दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा। पाकिस्तान किस कदर बौखलाया हुआ है, उसके मंत्री अपनी दिमागी फितूर को इस्लामी जिहाद का शक्ल देना चाह रहे हैं। भारत की जमीन पर कब्जा करने के पागलपन में शेख रशीद इतने बददिमाग हो चुके हैं कि इस जंग में पाकिस्तान का हाथ नहीं देने वाले मुसलमानों को नरक में जाने का डर दिखा रहे हैं। अगर जिहाद का वक्त आता है और मुसलमान उससे पीठ मोड़ता है, और जिस मुसलमान का ये ईमान नहीं कि जिहाद ईमान है, जहाद इस्लाम है, जहाद के बगैर वो मुसलमान नहीं है, जो आदमी ये समझता है कि वो जहाद से मुंह मोड़कर इस आखरत में वो दोजख में जाएगा। आखिर पाकिस्तानी रेल मंत्री इतना बौखलाए भी तो क्यों नहीं, जब उसका प्रधानमंत्री ही मानसिक संतुलन खो बैठा हो। जब पाक पीएम ही भारत को एटमी जंग की धमकी दे रहे हो, समझा जा सकता है इस वक्त पाकिस्तान किस मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुका है। एक हाथ में कटोरी लिए इमरान दुनिया भर में भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान के पास खाने के लिए 2 जून की रोटी नहीं, पाकिस्तान के पास इतने भी पैसे नहीं कि वो अपने तोप के लिए गोला बारूद खरीद सके। लेकिन पाक पीएम इमरान की हिमाकत तो देखिए, वो लगातार भारत को युद्ध की धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। कश्मीर पर दुनिया भर में मिली हार से इमरान इतना बौखला गए हैं कि अब परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं। जिस तरह मुझे अजायम नजर आ रहे हैं, ये जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जो ये नजरिए के ऊपर जा रहे हैं, ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा। लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी आज आलमी कम्युनिटी के ऊपर है, बड़े बड़े जो सुपर पावर्स हैं, बड़े मुल्क हैं, उनके ऊपर है। और दुनिया आए हमारे साथ या ना आए, पाकिस्तान तो अब हर हद तक जाएगा, हर सतह पे आखिरी सांस तक उनके साथ जाएंगे। जब पूरे तालाब में भी भांग घुली हो,
तो किसी को क्या समझाएं। इमरान और उनके मंत्री ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में क्रिकेटर भी बैट बॉल छोड़कर एटम बम चलाने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पाकिस्तान मोदी के मास्टर स्ट्रोक से अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। हर कोई भारत को नेस्तनाबूद करने की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इतने ताव में आ गए कि ना आगे देखा ना पीछे, भारत के खिलाफ लगे एटम बम चलाने। कल अपने लिए, आप सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीज रख सकते तो रखो। तुम मुसलमान भाई हो, तुम लो, अगर मारो तो मार जावे। मोदी को क्या पैगाम देंगे कि पाकिस्तान घरों में जाएंगी फिर उनको एहसास होगा कि जिंदगी क्या होती है। मोदी साहब को तो पता है, पहले भी मैंने कहा था ये कावड़ लोग हैं, डरपोक लोग हैं, ये अभी तक इन्होंने किया क्या। हम ये तो न्यूक्लियर पावर, हम न्यूक्लियर पावर हमने ऐसे ही नहीं देखना, हमने चलाने के लिए रखा हुआ, हमें मौका चाहिए और हम साफ कर देंगे। खैर, जावेद मियां दाद ने जंग की धमकी दे दी, लेकिन जब उन्होंने ठंडे दिमाग से भारत की शक्ति का आकलन किया तो उनके तेवर नरम पड़ गए। कल तक जिस मियां दाद पर जंग का जुनून सवार था वो अब अचानक शांति दूत बन गए और लगे शांति का संदेश देने। अपनी तरफ से कोशिश करूंगा और मैं बॉर्डर पे जाऊंगा फॉर द पीस एंड आई विल कॉल ऑल द टॉप पीपल, स्पोर्ट्समैन, एवरीवन, एंड मैं जाके उधर बिल्कुल ना जाके एहतजाज करूंगा और बताऊंगा कि एक पीस क्या चीज होती है। तो हम पीस का झंडा लेके भी, मैं अगर ये चीजें नहीं रुकी तो मैं बॉर्डर पे दुनिया से जो भी मुझे ज्वाइन करेगा मैं जरूर जाऊंगा और मैं जाके वहां पर ना ये चीजें बताऊंगा कि देखें हम लोग पीस चाहते हैं, हम कश्मीरियों के साथ हैं, बिल्कुल रहेंगे, इनसे हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान पीसफुली हर चीज खत्म करें और जिस जिस का जो हक है उसको हक दिया जाए। शायद जावेद मियां दाद ने भारत को जंग की धमकी देने के बाद इतिहास की किताब को पढ़ लिया, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच हुई तीन जंग में पाकिस्तान की करारी हार का जिक्र है। इतिहास का ये वो पन्ना है जिसे पाकिस्तान शायद पढ़ना नहीं चाहता। आखिर पढ़े भी तो कैसे, पहले हुई तीन जंगों में उसे जिस तरह की शर्मनाक हार मिली है वो आज जंग जंग चिल्लाने वाले पाकिस्तान का हौसला पस्त करने के लिए काफी है। आज तीन तीन जंग हारने के बाद भी पाकिस्तान अपनी औकात भूल गया है। पाकिस्तान भूल गया है कि किस तरह से 1965 में भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई थी। पाक भूलने का नाटक कर रहा है कि किस तरह 1971 की जंग में उसकी शर्मनाक हार हुई थी। 1971 की जंग में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने 90,000 सैनिकों के साथ सरेंडर किया था। ये वो दर्द है जो आज भी पाकिस्तान को टीसता है। आज भी पाकिस्तान इस जंग को याद कर शर्म से डूब मरता है, लेकिन वो पाकिस्तान ही क्या जो सुधर जाए। अब एक बार फिर पाकिस्तान जंग की धमकी दे रहा है। 1971 में जनरल नियाजी ने मानी थी शर्मनाक हार और लग रहा है कि 2019 में इमरान खान नियाजी दोहराएगा 1971 का इतिहास। ब्यूरो रिपोर्ट। सोशल रिपोर्ट है, बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।